हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो है बताने वाला हूँ कि आप जो है जीमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम पे जीमेल आईडी सभी को बनाना आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीमेल आईडी जो है बनाना नहीं आता है। तो जीमेल आईडी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है और हमें कैसे बनाना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो में मैं जो है इस सारी चीज़ जो है बताने वाला हूँ, यानी फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा आप। दोस्तों, अगर आप एक नया मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एक जीमेल आईडी आपको मांगता है। अगर जीमेल आईडी आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से कोई भी ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक YouTube चैनल है, अगर आप कोई भी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको कोई भी क्रिएटर का वीडियो पसंद आता है और उसे आप लाइक करना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं या चैनल को आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो उसे जो है आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, यानी लाइक भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, जीमेल आईडी का जो ज़रूरत पड़ती है, अभी के हर एक काम में जो है जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ऑफलाइन से जुड़ा हुआ काम हो या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम हो, सब में जो है एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और मैंने बता दिया है कि जीमेल आईडी से आपको क्या फ़ायदा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप एक जीमेल आईडी को बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जीमेल आईडी बनाना आता है तो आप इस वीडियो को जो है यहीं तक स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको एक जीमेल आईडी बनाना नहीं आता है तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहिद निज़ामी और आप सबका हमारे YouTube चैनल निज़ामी फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो नए आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें एक जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए चलना पड़ेगा सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां जाके आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर पहुँचने के बाद दोस्तों चलते हैं अपने यूट्यूब में, और यूट्यूब से ही आपको एक जीमेल आईडी क्रिएट करके बता रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही हम अपने YouTube चैनल पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो प्लस के आइकन पे जो है क्लिक करना है। तो चलिए प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही प्लस के आइकन पे हम जो क्लिक करेंगे, वहाँ जो कुछ सेकंड का टाइम लेगा, तो वो पूरा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक नया इंटरफेस जो है वो खुल चुका है। तो दोस्तों, इस नया वाला इंटरफेस में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मांगेगा माई सेल्फ। तो माई सेल्फ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना नाम फिल करना है। तो मैं फटाफट यहाँ जो है नाम फिल कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फिल करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेल सेलेक्ट करने का आएगा, तो यहाँ पे मेल भी सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो मेल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों यूज़ मोबाइल में क्लिक करना है, और यहाँ पे यूज़ जीमेल में क्लिक करना है, यूज़ नंबर नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा कंटिन्यू क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो हमें कंटिन्यू क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करना है। तो जैसे ही न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्री का मांगेगा, तो एग्री में देना है हमको पासवर्ड जो है एक ऐसा रखना है जिससे कि किसी को पता नहीं चले। तो पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिए, और यहाँ पे जो दोस्तों आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्री मांगेगा और एग्री में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एग्री में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ सेकंड का समय लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली यहाँ जो है एक नया जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो देख सकते हैं एक नया जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है आप अपने यूट्यूब के मदद से भी एक जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और इस जीमेल आईडी से आप जो है दोस्तों प्ले स्टोर से भी कोई भी ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो है यूट्यूब में भी कोई भी चैनल में जो है क्रिएट कर सकते हैं। और अब वीडियोस जो देखेंगे, अगर आपको वीडियो को किसी को लाइक करना है तो लाइक कमेंट सारा कुछ कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।